मॉस्को में रूस का झंडा आधा झुका रहा। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। इस बीच यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन ने हवाई हमले का अलर्ट जारी किया है। रूस का कहना है 133 से ज्यादा लोगों की मौत के गुनहगार जब पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन यूक्रेन से सामने आया है। यूक्रेन ये कह रहा है कि हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पर मॉस्को के मातम का बड़ा असर होने वाला है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है। इमरजेंसी गाड़ियां मॉस्को की सड़कों पर बिछी लाशों को हटा रही हैं। मॉस्को में मौत की आंधी के बाद अब सन्नाटा पसरा है। आतंकियों ने जिन लोगों को मौत के घाट उतार दिया उन्हें श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए जा रहे हैं। पूरे मॉस्को में मातम पसरा है। चेहरे उदास हैं। अपनों की मौत ने बाशिंदों के जहन में खौफ भर दिया है। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद क्रोकस हॉल खंडहर में बदल चुका है। हमले का नया वीडियो दिल दहलाने वाला है। कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी करने के साथ ही आतंकियों ने पेट्रोल डालकर हॉल में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ लोगों की मौत गोली लगने से हुई है तो कुछ लोगों ने आग की चपेट में आने से दम तोड़ दिया। 28 शव शौचालय में मिले और 14 शव सीढ़ियों पर, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। Проводится осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Ведется работа с потерпевшими. Назначена и проводится баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы по вещественным доказательствам, оставленным террористами на месте преступления. मॉस्को में हुए आतंकी हमले में 133 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। करीब 107 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। भारत, अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों ने कड़ी निंदा की है। आतंकी संगठन आईसिस ने इस कायराना हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें 4 वो लोग शामिल हैं जिन्होंने हॉल में अंधाधुंध फायरिंग की थी। रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB के मुताबिक हमलावरों का यूक्रेन के साथ संपर्क था। रूस की मीडिया में हमलावरों की तस्वीरें जारी की गईं और दावा किया गया कि ये लोग रशियन नहीं कोई विदेशी भाषा बोल रहे थे। रूसी अधिकारियों ने दावा किया है कि हमलावरों को यूक्रेन से मदद मिली थी। रूस का दावा है कि पकड़े गए 4 आतंकियों में से 2 ने पूछताछ के दौरान माना कि उन्हें 1 मिलियन रूबल यानी $10,836 दिए जाने का वादा किया गया था। हमला कहां करना है इसकी जानकारी उन्हें टेलीग्राम के जरिए मिली थी। तलाशी के दौरान कार से ताजिकिस्तान का पासपोर्ट भी मिला है। रूस का कहना है कि आतंकियों के लिए सीमा पर यूक्रेन की तरफ से एक खिड़की तैयार की गई थी। FSB सुरक्षा सेवा के मुताबिक आतंकी यूक्रेन के संपर्क में थे और वहां भागने की फिराक में थे, लेकिन सीमा पार करने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया गया। जबकि यूक्रेन ने बयान जारी कर साफ कर दिया था कि इस हमले से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। 7000 росіян, які зараз бувають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати Крокуса та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати.
अमेरिका का कहना है कि उस हमले में यूक्रेन का कोई हाथ नहीं था। इस अटैक की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली है। अमेरिका ने कहा है कि वो हफ्ते भर पहले ही रूस को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर चुका था। ये ध्यान देने वाली बात है कि रूस ने अभी तक इस्लामिक स्टेट के दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन सच ये भी है कि आईएसआईएस पुतिन का अरसे से बड़ा विरोध करता रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इस्लामिक स्टेट ने रूस जैसे शक्तिशाली देश को निशाना बनाया हो। रूस के हाल के कुछ सबसे बड़े आतंकी हमलों में आईएसआईएस शामिल रहा है। 2015 में आईएसआईएस ने रूस के विमान पर हमला किया। इस हमले में 224 यात्रियों की मौत हो गई। 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग मेट्रो में बम विस्फोट किया जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई, और अब कॉन्सर्ट हॉल में गोलीबारी कर 133 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित आईएस की शाखा ने 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से रूस को निशाना बनाया है। रूस की सुरक्षा सेवा FSB ने 7 मार्च को ही मॉस्को के पास कलुगा क्षेत्र में एक संभावित हमले को रोका था। सवाल है कि आईएसआईएस रूस की बर्बादी के पीछे क्यों पड़ा है। इस सवाल का जवाब आपको इतिहास के कुछ पन्नों में मिलेगा। आईएसआईएस के रूस को निशाना बनाए जाने में सीरियाई गृह युद्ध की भूमिका सामने आती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2015 में हस्तक्षेप करके विपक्ष और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया था। ऐसा करके पुतिन ने सीरियाई गृह युद्ध का रुख बदल दिया था, और यहीं से आईएस रूस के पीछे पड़ गया। ताजा हमला इसका सबसे बड़ा गवाह है, जिसका असर रूस यूक्रेन की लड़ाई पर भी पड़ा है। यूक्रेन ने पूरे देश में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया है। अभी 5 दिन पहले ही 5वीं बार रूस की बागडोर संभालने वाले पुतिन के लिए यह हमला उनकी सरकार को झकझोर देने वाला है। हमले के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने हमले के सभी अपराधियों और आयोजकों को सजा देने की कसम खाई। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पुतिन ने जो कहा उसे जरूर सुनना चाहिए। पुतिन ने साफ लहजे में कहा कि जो लोग भी रूस के खिलाफ हैं, रूस के नागरिकों के खिलाफ हैं, जिसने भी इस हमले में आतंकियों की मदद की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, раненым и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днем общенационального траура. इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी ISKP का गठन 2015 में हुआ था। ये इस्लामिक स्टेट फॉर इराक एंड सीरिया आईएसआईएस की एक ब्रांच है, जिसे आईएस या दाएश भी कहते हैं। ISKP के बनने की कहानी तहरीके तालिबान यानी पाकिस्तान TTP में हुई फूट से जुड़ी है। मंजर भयावह है, रूस दर्द से करा रहा है। 2004 में भी रूस के बेस्लान स्कूल में ऐसा ही हमला किया गया था, और पुतिन ने उस वक्त भी कठोर एक्शन लिया था। दुनिया ने देखा था कि रूस आतंकियों से निपटने में कितना सक्षम है, लेकिन यहां तार अगर यूक्रेन से जुड़े मिले और इसकी पुष्टि होती है तो खामियाजा ज़ेलेंस्की को भुगतना होगा। युद्ध के 2 सालों में यूक्रेन ड्रोन से हमले करता रहा, लेकिन अगर उसने आईएस के आतंकियों की मदद की है तो फिर पुतिन के पास दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है, अमेरिका को खामोश करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि पुतिन की छवि कहती है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।